अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेजबान राही निसार। इस वक्त लाइव आने का मकसद, जैसा कि हमेशा हमारा मकसद होता है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, पर आज इस लाइव को गौर से देखिएगा क्योंकि इस लाइव में हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे कश्मीर में इस वक्त आम है। और आम मैं इसलिए कहता हूँ कि हर एक जगह अगर हम देखते हैं तो इस चीज का आज सुबह सवेरे इस चीज के बारे में यानी मैंने यहाँ पे सुना तो मैंने सोचा कि लाइव आना इस पे आज जरूरी है। और इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा, वो यहाँ पे जो एक सिस्टम जादू का फैला है, यानी कि जिसको हम तावीज कहते हैं कश्मीरी में, ये तावीज का सिस्टम यहाँ पे लोगों को अब खुदकुशी करने पर भी मजबूर करता है। और बहुत सारे लोग इसमें जो अब फंस गए हैं, बहुत से मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। जब हम इस पे गौर से देखते हैं तो इस चीज में हम ही यहाँ पे जिम्मेवार है, क्योंकि हम ही लोग ऐसे हैं जो ये कदम यहाँ पे करते हैं, जो ये यहाँ पे सिस्टम चला लेते हैं जिसको हम यहाँ पे जादू या तावीज कहते हैं। मैं यहाँ पे दो लोगों से बात करूंगा जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हो, इनसे मैं बात करूंगा क्योंकि आज जो इन्होंने भी देखा, इन्होंने सोचा कि हम आपके साथ लाइव में आएंगे। एक कुछ उलमाए किराम से भी मैंने फोन पे बात की तो उन्होंने भी कहा कि हम भी इस चीज पे यहाँ पे लोगों को कहते हैं, मगर शायद कुछ ऐसे लोग हम में बेसी है जो ये तावीज का सिस्टम यहाँ पे चला लेते हैं। हाल ही में हमने देखा यहाँ पे एक दो खुदकुशियां जो यहाँ पे वाकया हुई, जब उनके उनका बैकग्राउंड यहाँ पे पता चला तो वो भी इस चीज का यहाँ पे शिकार हो चुके थे, यानी कि वो भी यहाँ पे जादू का शिकार हो चुके थे, जिस चीज को हम यहाँ पे अब कश्मीर में तावीज कहते हैं। और तावीज के यहाँ पे बड़े बड़े आज कारनामे चलते हैं, क्योंकि तावीज से लोग खुदकुशी या जिनका यहाँ पे कारोबार भी खतरे में अब पड़ जाता है। अगर इसके मुतलिक हम यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग कुछ लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि शायद इनकी जिंदगी यहाँ पे खराब हो जाए। पहले मैं यहाँ पे इरशाद साहब से बात करूंगा। इरशाद साहब, आप बता दीजिए क्या आपने देखा और क्यों आपने आज मुझे कहा कि नहीं मैं भी यहाँ पे लाइव आऊंगा। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे दिमाग में बातें डाली। और दूसरी यह बात है कि मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे मौजू पे हमेशा काम कर रहे हैं, और आपका भी। मैंने राय साहब आपको कल से फ़ोन इसलिए किया है, मैंने कहा कि समाज में जो हमें बुराई दिखते हैं हमें इस पर बोलना चाहिए। कल मैं एक वाकया आपके सामने बयान करता हूँ। कल मैं एक्चुअली मेरा काफ़ी है, मैं जब फ्री टाइम में होता हूँ तो मैं कभी कभी फिशिंग करने जाता हूँ दरिया के किनारे ऊपर। तो मैं एक दरिया पे बैठा था, तो फिशिंग के सिलसिले में बैठा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे दो औरतें आई, एक लड़की थी एक छोटी, एक शायद वो माँ बेटी थी, तो वो मेरे पास बैठी। तो बस अचानक वो आए तो दरिया पे बैठी, दो सेकंड दो तीन मिनट बैठे, तो उन्होंने मुझे बस यूँ ही बोला कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं फिशिंग कर रहा हूँ। तो तीन मिनट के बाद वो कुछ खोदने लगे वहाँ से, तो खोदने के बाद वो निकले वहाँ से। तो मैंने थोड़ा अपने दिमाग में डाला कि ये क्यों आए और ये कहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ पे वो खोद रहे थे, जहाँ पे वो हाथों से कुछ कर रहे थे मिट्टी में, तो मैं वहाँ गया तो मैंने खुद वो मिट्टी, वो जो वहाँ पे मर्द था वो मैंने वो हटाया। तो वहाँ पे मैंने मुझे एक्चुअली अपने आप पे भी उस वक्त बहुत अफसोस हुआ कि हम किस समाज में रह रहे हैं, हमारे लोग क्या किस काम किन कामों में लगे हैं। तो मैंने देखा कि एक लिफाफा था, लिफाफे में मैंने देखा कि एक जिंदा मछली थी, मछली के अंदर एक अंडा था, और हम दो तीन बंदे थे वहाँ पे। तो मैंने जब वो निकाला तो हमने देखा कि एक छुरी से चाक किया गया था, तो उसके अंदर एक, तो जब अंडा मैंने देखा तो ऐसा वो निकाला गया था, और जो यथवनाशी कंड तावीज जिस लड़के को किया था, शायद मुझे लगा कि ये वही लड़का है। तो उन जो औरतें थी उनको भी मैं कहीं से जानता था, पर जब मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया। तो वहां पे दो तीन बंदे जमा हो गए, तो हमने वहां पे मौली साहब को फोन किया, तो मौली साहब से हमने बताया, मौली साहब ने बोला कि वहां ये खत्म करो और डिस्ट्रॉय करो ये। तो मैंने सोचा कि इससे पहले भी मैंने बहुत बार देखे हैं ये चीजें। राय साहब, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि
इस बात पे हमें हर तबके को, चाहे मौलवी तबका हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट तबका हो, चाहे और कोई तबका हो, हर तबके को इन बुराइयों के ऊपर बोलना चाहिए। देखिए, एक तो ये सरासर नाजायज और गुनाह ही कबीर है। दूसरा ये कि आज आप सोसाइटी में देख रहे हो, जहाँ पे ड्रग्स फैल रहा है वहाँ पे ये भी बिदत है, ये बिदत भी फैल रहा है। और हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें जो लोग एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इसे इंसान मरता है, मगर इस हद तक पहुँचता है कि मरने से सूचना वाला से मरना खुद ज़्यादा छिकसान इमो चीज़ों से। तो मैं इस वक्त बहुत, मेरा दिल बड़ा आजुर्दा है कि मैंने सोचा कि आपको बुलाऊं, आप लोगों को बताएं ये चीज़ें। मैं अपनी तरफ से, आपकी वसादत से, आपके चैनल के वसादत से, क्योंकि गुलिस्तान एक अच्छा प्लेटफार्म है यहाँ पे लोगों को बात करने के लिए, मैं इनकी वसादत से उन मौलवी हजरात से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे मस्जिदों में जुमा के खतीब हैं, वो भी इस पर बयानात करें। और दूसरे ये कि उन पीर साहिबान से भी गुजारिश करता हूँ जो ये काम करते हैं, वो ये जलीलाना हरकत जो करते हैं वो पीर साहब, वो इनसे बाज आए। वो अपने पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं, मगर इनको शायद ये पता नहीं है उनके करने से जो लोगों पे असरात पड़ते हैं, जो लोगों को तकलीफात होते हैं, वो शायद ये नहीं जानते हैं। मगर मैं ये यकीनन कहता हूँ कि हम एक महजब कौम है कश्मीर में। चलो अगर कहीं पे गलतियाँ लोग करते हैं, अगर हम उनको समझाएंगे, ये करेंगे, वो कहेंगे, वो बाज आएंगे, मगर असल जो यहाँ पे अगर हम बात उठाएंगे तो उंगली तो हमारे ऊपर उठती है, हम ही इस चीज़ में मुलवस है। तो हमें चाहिए, इरशाद साहब आप मुझे बता दीजिए कि जब आपने कहा कि मैं मौलाना साहब के पास गया, मैंने उसको पढ़ने के लिए बोला वो तावीज़, तो उसने वहाँ से मुझे और एक कहानी सुनाई जो उसने शायद कल रात को वो एक तावीज़ निकाला था। वहाँ पे जब मैं गया तो कल मैं, मेरे साथ एक दो बंदे थे, जब वहाँ गए तो वहाँ पे उसने तावीज़ खोला और पढ़ा, और पढ़ने के बाद मौलवी साहब मुझे एक बात बोला तो जिससे मैं, अब यकीन नहीं करोगे राय साहब, मैं शॉक हो गया और मिर्की गया। वहाँ पे जितने भी कमरे में दो चार बंदे पांच बंदे थे और सब शॉक हो गए। एक ट्रेंड निकली आज, उस मौलवी साहब ने मुझे कहा, पीर साहब अच्छा है, अच्छा मतलब दीनदार आदमी है, तो उसने मुझे कहा कि बेटा ये कोई मसला ही नहीं है, ये जादू। आजकल लोग जादू के जरिए बच्चों में जिन डालते हैं। और उसने किसी स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने स्कूल का नाम लिया है, तो वहां पे बच्चों को रेजर यानी ब्लेड मुंह से निकलते हैं, यानी वो उनके म्यादे से चढ़ते हैं, तकरीबन 100-150। उसने कहा कि मेरे सामने एक बच्चे ने मतलब ब्लेड पे ब्लेड मतलब, फिर हमने देखा कि उसके मतलब उसके जिस्म में जिन डाला गया था जो उसको ब्लेड देता था। मतलब ऐसे जादू होते हैं आज, और मैं शॉक हो गया, अल्लाह की कसम मुझे रोना आता है। मैं समझता हूँ कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा कौम, हमारा मतलब हम जहाँ पे है, हमें खुद अगर हमारे हमारे में जमीर है तो हम ये है कि हम शर्मसार है। मतलब मैंने खुद अपने आंखों से कल हरकत देखी, और मौलवी साहब ने भी मुझे कहा कि ऐसा वाक़ा है, तो मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो मैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, आपकी वसादत से हाथ जोड़ के बिनती कर रहा हूँ उन लोगों से जो मतलब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाज आइए। और उन पीर साहिबान से भी जो ये काम करते हैं, 10 पैसे के लिए, 10-20 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए ये काम करते हैं, तो खासकर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें अगर हम ज़्यादा देखेंगे, अगर इसमें रोल देखेंगे, इसमें औरतें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो मैं अपने घर के जो यमन अशमान खानदार अमन चीज करा गुजारिश की कम से कम घर मज बुझ तो कुंजा बितस मज इन्वॉल्व गम चीज करा। तो इसलिए मैंने सुबह सवेरे आपको बुला के लाया है कि मैं आपके जरिए, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है गुलिस्तान का, मैं उनको हाथ जोड़ के अपने मौली साहिबान से भी, अपने उन पीर साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, इस पे आइए बात करिए, मौली साहिबान से जो खतीब है उनसे आए, जुमा के दिन लोगों को बताइए, लोगों को इस चीज का अवेयरनेस कीजिए। मगर उन पीर साहिबान से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे लगता है राय साहब एक बात मेरे दिमाग में ये भी आई कि हमें जहां पे हम नौजवानों को जहां पे अगर पता चले कि ये कौन सा पीर कर, हमें उसके खिलाफ ड्राइव चलाना चाहिए। जिस तरीके का हम दूसरे लोगों पे ड्राइव चलाते हैं, जैसे ड्रग्स पे ड्राइव हमने किया है,
हमें भी ड्राइव करना चाहिए, हमें उन पर स्टोरीज करने चाहिए इन पीरों पे, अगर हमें पता चले कि ये पीर कौन सा है। क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से मालूम करेंगे कौन कहाँ के ये पीर है, किस तबके से वाबस्ता है, हमें उनके खिलाफ भी ड्राइव करना चाहिए। तो मैं, मुझे लगता है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाएंगे। आपकी वजह से मैं उन मौली साहिबान से भी गुजारिश करता हूँ और पीर साहिबान से भी अपील करता हूँ कि इन चीज़ों से बाज आए, अपने 10 पैसे कमाने के लिए ये सब मत कीजिए, जिससे हमें लोगों को तकलीफ होता है, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ होती है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे, आपके जरिए से उनको हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे कामों से बाज आए। और अपने मौलाना साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जुमा के खतीब जो है वह इस पे इन इन इसको नजर मद्देनजर रख के इस पे बात करें ताकि इस समाज इन बुराइयों से बचे। शुक्रिया बात करने के लिए। और एक साथी हमारे साथ है, क्या शुक्रिया करा निसार साहब कि तू बार बार सैनिस कौमस खदमत कर अर्ज कर इत पा कि यह बुराई तयजन मत्याम जाल या सानी मन ज्यादा आम लूकन मे गुत तस्वुर ज्यादा अत मे जन तलवस यम लूकन तकलीफ दिवान यह गोस नसन कह यह सा बड़े बिदत अल्लाह ताला नश तुम कर वाले हिसाब करना वाले हिसाब लिहाजा यह गोस गसन खत्म तो यह गोस नैल कम गोस नजर तल आसन हो मरन प्रत दुनिया मं कमित जनित हरत अमीर ऐसी गरीब ऐसी अमिश मरन मगर खास कर पीरन तहसास गुन तलाम यड़ खतर पन जिसम पन पान नारी जहन जहनम खतर कर तैयार बहुत सारे कर गुजारिश यह त्रू यह बिदत समाज मंस तकलीफ दिन हमसाय रिश्तेदार कह आह बड़ नाकार अत पे करो सारी यह कंडप करो यह सा गलत बल्कि पीरन तू तुम यह सा गलत कम करो कह खुदा तुम्हें रिजिक दिन वो सोचो अंद रिजिक बाकी। शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम यही कहेंगे कि इनकी तरफ से ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ये काम करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं औरतें इसमें ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है कि औरतें ये यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि जो इरशाद साहब ने भी कहा कि मैंने 2 औरतों को देखा। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि औरतें यहाँ पे ज्यादातर ये काम करती है। तो हमारी गुजारिश इस लाइव से यही रहेगी, खासकर उन लोगों से जो ये काम करते हैं, कि इस चीज से बाज आए, क्योंकि इस चीज से यहाँ पे किसी की जान चली जाती है, कोई घर यहाँ पे उजड़ जाता है, कोई घर यहाँ पे तबाह हो जाता है, किसी का रोजगार यहाँ पे तबाह हो जाता है। जब कोई यहाँ पे डिप्रेशन में पड़ जाता है इन तावीज के चक्कर में, तो वो अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने जो उसका अयाल होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो भी इस चीज से खत्म हो जाते हैं। तो आज के लाइव के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना, और आज के मैसेज के जरिए हम यही कहेंगे कि हमारी गुजारिश रहेगी आप लोगों से, और जो ये काम करते हैं वो पीर हजरात जो ये तावीज देते हैं, उनसे मुदबाना गुजारिश है कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इस चीज से किसी का यहाँ पे घर उजड़ जाता है, किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। जो बच्चों के बारे में यहाँ पे इरशाद साहब ने कहा, वो बच्चे भी यहाँ पे किसी माँ बाप के बच्चे हैं, इसलिए आपको चाहिए कि इस चीज से बाज आए और दूसरे लोगों तक भी ये हम पैगाम पहुंचाएंगे जो ये काम यहाँ पे करते हैं। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे देखते हैं, कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसको शायद ये शक होता है कि मैं किसी बंदे को यहाँ पे तावीज करूंगा, इसका कारोबार खराब हो जाएगा, मगर उसको शायद ये इल्मियत नहीं होती है कि इस चीज करने से उसकी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे जो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ये डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की वजह जब फिर पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनमें जिन्नात थे। और जब पीर साहिबान या मौलवी साहिबान से हमने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि एक ऐसी आज दूसरी ट्रेंड निकली है कि तावीज के जरिए हम किसी को भी यहाँ पे जिन बेचते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में शिकार होकर फिर कोई भी कदम यहाँ पे उठा लेता है, यानी कि वो यहाँ पे फिर ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। तो हमें आप इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ, ताकि हम और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाए, और उन लोगों से भी हम यहाँ पे फिर एक बार मुदबाना गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज से बाज आए, ना किसी को ऐसी कोई तावीज दे जिससे किसी को नुकसान हो, बल्कि वो चीज दे कि जिससे यहाँ पे किसी को फायदा पहुंचे। तो हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।